पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। आज हम टिंडा, जिसको कि इंडियन स्क्वैश, राउंड मेलन, राउंड गॉड, एप्पल गॉड, इंडियन बेबी पम्पकिन, टिंसी, कई नामों से हम जानते हैं, बनाने जा रही हूँ। और मैं इसको मिल्क क्रीम के साथ बनाऊंगी, बिल्कुल फ्रेश मलाई के साथ, जो कि खाने में बेहद टेस्टी बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने टिंडों को बहुत अच्छे से वॉश किया है और छील लिया है मैंने इनको। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉक की हेल्प से मैं इनमें छेद कर रही हूँ। आप चाहें तो टूथपिक की हेल्प से भी इनमें छेद कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी मलाई है और जो हमारे मसाले हैं वो अंदर तक जाएंगे टिंडों में, और ये बहुत अच्छे जूसी बनेंगे बिल्कुल, और टेस्टी बनेंगे। आप इस तरह से बना के बच्चों को खिलाएंगे, अपने गेस्ट को और अपने फैमिली को, तो सबको बहुत पसंद आएंगे और सब बड़े शौक से खाएंगे। तो सारे टिंडों में मैं छेद कर लेती हूँ फ्रेंड। ये देखिए, सारे टिंडों में मैंने छेद कर लिए। अब मैं आपको मसाले बताती हूँ। मसालों में मैंने प्याज, हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ली है, एक अदरक का टुकड़ा, लहसुन, सौंफ और साबुत धनिया लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इनका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसको सरसों के तेल में बनाएंगे। पैन में मैं ऑयल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, सरसों का तेल मैंने चढ़ा दिया है पैन में, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जो साबुत मसाले वो मैं ऐड करूँगी। इसमें मैं तेज पत्ता, काली मिर्च और लौंग ले रही हूँ। ये मैंने ऑयल में डाल दी है। काफ़ी सिंपल मसालों में और काफ़ी टेस्टी बनती है सब्जी। जीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब जो ये हमारा प्याज का पेस्ट है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड हम मलाई टिंडे बना रहे हैं, तो अगर आप शाही टिंडे बनाना चाह रहे हैं तो आप इस समय पर मसाले के साथ काजू भी इसमें पीस सकते हैं, लेकिन मैं मलाई टिंडे बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने काजू ऐड नहीं किए। अगर आप शाही टिंडे बनाएंगे तो आप यहाँ पर काजू की ग्रेवी तैयार कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, कसूरी मेथी और टमाटर का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मलाई टिंडे बना रही हूँ। ये देखिए, मसाला मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया है। इसको थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर ऐड किया है। किसी लाल मिर्च और हल्दी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है। नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। अगर किसी लाल मिर्च और हल्दी हम ऐड करेंगे तो उसका कलर रेड या येलो हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर इनको ग्रीनिश कलर दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है और वाइट पेपर पाउडर टिंडे में यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आपको फ्रेंड जल्दी आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं। टिंडों में आप 2 से 3 विसल लेके और फिर आप मसाले में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे इतने टेस्टी नहीं बनते हैं। आप कच्चे टिंडे बनाएंगे मसाले के साथ तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि मसाला और मलाई अंदर तक जाएगा और वो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, मैं इसको कवर कर देती हूँ। और जब तक हमारे टिंडे पकेंगे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे अगर कच्चे रह जाएंगे तो। बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड, एकदम रॉयल टेस्ट आता है टिंडों का। अब अगर आप अपने गेस्ट को बना के खिलाएंगे तो उनको भी काफ़ी पसंद आएंगे और बच्चों को भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसमें स्पाइसी मैंने इनको ज़्यादा नहीं बनाया, मसाले जो बहुत कम लिए हैं, तो उससे बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं टिंडे और कलर इनका काफ़ी अच्छा आएगा। अभी तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ग्रीनिश है, लेकिन जब मैं इसमें मलाई ऐड कर दूंगी तो बिल्कुल ग्रीनिश क्रीमी टेक्स्चर आएगा इनका। फिर से मैं इनको चला देती हूँ। अगर आपको इसमें पकाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दूध ऐड किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे इनका कलर बहुत अच्छा आता है, जैसा हम चाह रहे हैं, बिल्कुल ग्रीनिश और क्रीमी दोनों इसमें टेक्स्चर आएगा, क्योंकि मलाई भी मैं इसमें ऐड करूँगी और मैंने दूध ऐड किया है, इससे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। थोड़ा देर हम इसको फिर से ढक के पकाएंगे। ये देखिए, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखिए, टिंडा बिल्कुल इजीली कट हो रहा है, इसका मतलब हमारे टिंडे रेडी हैं। अब इस स्टेज पे जाके मैं इसमें जो हमारी फ्रेश मलाई है वो मैं ऐड करूँगी। मलाई डालने के बाद भी हमको इसको थोड़ी देर पकाना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट में इसको ढक के पकाऊंगी। अगर आप थोड़ा इसका खट्टा फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं इस समय पर, लेकिन मैंने यहाँ पर क्रीमी टिंडे ही बनाए, मैं यहाँ पर दही ऐड नहीं कर रही हूँ।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप शाही टिंडा बना रहे हैं तो भी आप दही ऐड कर सकते हैं, काजू की ग्रेवी ले सकते हैं, कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं और लास्ट में पिसा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हम मलाई टिंडे बना रहे हैं वो फिर शाही टिंडे में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ मलाई टिंडे बनाए, शाही टिंडे नहीं बनाए। इसको थोड़ा मैं ढक के पकाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारे, मैंने मलाई भी इसमें डाल दी है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीनिश क्रीमी टेक्सचर आया है टिंडों का। कलर बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। अभी गर्मियों का सीज़न है तो बिल्कुल लाल मसाले वाली सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती है, और ये सब्जी आप इस तरह से बना के खाएंगे तो देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो बेहद टेस्टी है ही सही। आप चाहें तो इस समय पर पिसा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं इसमें किया है। हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हमारे टिंडे बिल्कुल रेडी है मलाई वाले। ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे बने, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। सारे टिंडों को मैं निकाल लूँगी। देखिए आप इनका कलर कितना अच्छा आया, बिल्कुल क्रीमी बने हैं, बिल्कुल कलर इनका बहुत अच्छा ग्रीन आया है। ये देखिए फ्रेंड कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे टिंडे और बहुत अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। आप इनको नान और स्टीम राइस के साथ खाइए, बेहद टेस्टी लगते हैं। सिंपल चपाती इसके साथ भी ले सकते हैं आप इनको। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह से बनाइए खाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।